फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शानदार लेसन जो अक्सर आपको अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है, जैसे के गुजारिश पर। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ, की गुजारिश पर। जैसे अगर आपको कहना हो वह आपकी गुजारिश पर घर आई, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी केम होम एट द रिक्वेस्ट ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा की गुजारिश पर के लिए मैंने बोला एट द रिक्वेस्ट ऑफ, मैं आपकी गुजारिश पर वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई शूट वीडियोस एट द रिक्वेस्ट ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि जब आपको कहना हो की गुजारिश पर, आप एट द रिक्वेस्ट ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको यह बात और अच्छा से समझ में आ सके। मैं आपकी गुजारिश पर यह किया, तो आप कहेंगे आई डिड दिस एट द रिक्वेस्ट ऑफ यू, मैं अपने चाहने वालों की गुजारिश पर एक गाना गाऊंगा। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल सिंग अ सॉन्ग एट द रिक्वेस्ट ऑफ माई फैन, क्लास टीचर के गुजारिश पर बच्चों ने एक पार्टी रखी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द स्टूडेंट held on a party at the request of class teacher। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एट द रिक्वेस्ट ऑफ का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जल्द बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।